CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम समवायो ही दुर्जयः। किसी जंगल में एक गौरैया, एक कठफोड़वा, एक मक्खी तथा एक मेढक आपस में मित्र भाव से रहते थे। उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी भी रहता था। एक दिन अचानक हाथी क्रोधित हो गया। वो जंगल में इधर उधर भागने लगा। विशालकायः गजोऽहं गजराजोऽहं। क्रुद्धः प्रतीयते गजः, तत्र गमनं नोचितम्। अयं गजः तु प्रायः शान्त एव आसीत्। इदमेव आश्चर्यं यत् शान्तस्वभावः गजः किमर्थं क्रुद्धः। अरे अयं तु इत एव आयाति। मित्र अन्यत्र चल, अन्यथा प्राणहानिः भविष्यति। आम् आम् शीघ्रं चल, पलायताम् पलायताम्। गजः क्रुद्धो जातः, इतस्ततः धावति। अरे किमर्थमहं धावामि, अधुना न धावामि। नभेतव्यं नभेतव्यं, स्थिरो जातः गजः, शान्तो जातः गजः, अहिंसकोऽयम् अहिंसकोऽयम्। सत्यं भणति, नाहं हिंसकः, किन्तु बाधते मां बुभुक्षा, अतः वृक्षशाखां गृह्णामि, त्रोटयामि च। मम अन्नानि नाशितानि, मम संतति नाशिता। हाथी पेड़ की शाखा को अपनी शुंडा दंड से खींच लेता। डाल टूट जाती है। डाल पर रखा हुआ चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। घोंसले में रखे हुए चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं। अधुना किम करोमि, नष्टं मे जीवनम्। चटके किमभवत् किमभवत्, भद्रे किमर्थं विलपसि, कथयतु माम्। एकेन मत्तेन गजेन मम संततिः नाशिता, अधुना जीवनेन किम्। अनेन किं भविष्यति, स्वविनाशः। अरे स्वविनाशः नैव चिन्तनीयः, अलं चिन्तया। तर्हि किं करवाणि, संततिं विना नैव जीवितुं शक्नोमि। चटके अलं चिन्तया, अधुना तस्य गजस्य विनाशः चिन्तनीयः। तस्य नाशः भवेत्, अहमपि एवमेव इच्छामि। मम मित्रं मक्षिका अस्ति, सा दूरं तिष्ठति। आगच्छ, प्रथमं तस्याः समीपं चलावः। आम् आम् चलावः। काष्ठकूट यानी कठफोड़वा और चटका यानी गौरैया पक्षी दोनों
मक्षिका के पास जाते हैं। मक्षिका यानी मक्खी। मक्खी काष्ठकूट की मित्र थी। मक्खी के पास पहुंचकर काष्ठकूट मक्खी को आवाज लगाता है। मक्षिके, आई मक्षिके, मक्षिके। अरे काष्ठकूट आगतः। आम आगच्छामि आगच्छामि। अयि मक्षिके, अस्याः चटकायाः संततिः एकेन गजेन नाशिता। तस्य नाशाय कमपि उपायं कथय। एवम् अस्ति। आम् तर्हि आगच्छ, मंडूकं प्रति चलामः। सः कमपि उपायं कथयिष्यति। शीघ्रं चलतु, शीघ्रं चलतु तत्र। चटका और काष्ठकूट को लेकर मक्खी मेढक के पास पहुंचती है। मेढक के पास पहुंचकर मक्खी मेढक को आवाज लगाती है। मंडूक, भो मंडूक। भगिनी, किमपि चिंतिता दृश्यते। काष्ठकूटः चटका अपि चिंतितौ दृश्यते। किं कथयानि भद्र, एकेन गजेन चटकायाः संततिः नाशिता। महत् कष्टम्। अधुना तस्यैव गजस्य नाशः एव अस्माकं लक्ष्यम्। कमपि उपायं कथय। अलं चिन्तया। चिन्तितः मया उपायः। वयं सर्वे तत्रैव चलिष्यामः। कानने महान् गर्तः अस्ति, साम्प्रतं सः रिक्तः। अहं तत्र गत्वा स्थास्यामि। ततः परं? ततः काष्ठकूटः गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, सः अन्धः भविष्यति। ततः किं भविष्यति? ततः अहं शब्दं करिष्यामि। अवगतं सर्वैः? आम् आम्। चारों ने योजना बनाई। योजना के अनुसार काष्ठकूट यानी कठफोड़वा हाथी की आंख फोड़ देगा और मक्खी भिन 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 करते हुए आवाज लगाएगी। एक तरह से हाथी को वह भ्रमित करेगी और सूखे गड्ढे में बैठा हुआ मेढक टर टर की आवाज लगाकर हाथी को जलाशय का भ्रम पैदा करेगा। हाथी को सबक सिखाने के लिए चारों योजना अनुसार अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। मक्खी हाथी के पास पहुंचकर भिन भिना करके उसे भ्रमित करती है। कठफोड़वा हाथी की आंख में चोंच मार देता है। हाथी की आंख रक्त रंजित हो जाती है और योजना अनुसार मेढक सूखे गड्ढे में बैठे बैठे टर टर की आवाज करता है। इस तरह हाथी को जलाशय होने का भ्रम हो जाता है और जल पीने की इच्छा से वो गड्ढे की ओर चल पड़ता है। अहो, मंडूकस्य शब्दः श्रूयते। मन्ये अत्रैव खलु जलाशयः। हतोऽस्मि गर्ते निपतितः। बच्चों, आपने सुना कहां छोटी सी गौरैया यानी चटका और कहां विशालकाय हाथी। लेकिन समूहबद्ध होकर के आपस में मिलकर रहने के कारण चटका, कठफोड़वा, मक्खी और मेढक ने मिलकर विशालकाय हाथी को परास्त कर दिया।
समवायो ही दुर्जयः। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, डॉक्टर पंकज मिश्र, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, धनश्री, गिरीश त्रिपाठी और प्रेरणा। ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।